जीजा जी यहाँ पर रियल पोस्टर लॉन्च किए गए यहाँ पर आज सामने रहे, आप भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, क्या फील करते हैं आपका दिलीप कुमार जी के बारे में? सबसे पहले तो ऐसे ग्रेट इंसान के सामने और कैसे ग्रेट इंसान की जो इतने सारे पोस्टर्स लगे हुए, और जब हम इधर आए तो हमें ऐसा लगता है कि भाई हम लोग एक अलग दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि इस तरह के पोस्टर्स आजकल देखने को नहीं मिलते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दिलीप साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, बिकॉज मेरी सबसे फेवरेट फिल्म थी गंगा जमुना, उसके बाद आज़ाद तो मेरी ऑलवेज वन फेवरेट रही है, वैसे काफ़ी फिल्में। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा एक्टर के लिए ये होता है कि अगर आपको एक्टर बनना है तो दिलीप साहब को थोड़ा बहुत आप में घुसाना बहुत ज़रूरी है, तो आप एक फेमस एक्टर बन सकते हो, एक अच्छा नाम कमा सकते हो। आप सब लोग जानते हो, मैं सबका नाम नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी लोग उनके एक्टिंग के अंदर ढांचे में उनके घुसकर जिस तरह से उन अपने आप को पेश कर रहे हैं वो एक काबिले तारीफ़ है। और हमेशा वो लोगों ने नाम कमाया है, चाहे शाहरुख खान जी हो, चाहे आमिर खान साहब हो, जैसे राजा हिंदुस्तानी में उन्होंने पूरा दिलीप जी को अडॉप्ट किया था। तो वैसे कई एक्टर्स जिन एक्टर्सों ने उनका 10% भी अगर कर लिया तो ही इज़ अ सुपरस्टार। आपने शाहरुख खान आमिर खान की बात की, इनकी छवि देखते हैं आप दिलीप कुमार जी की? सर बहुत दिलीप कुमार साहब की छवि हर एक एक्टर में देखने को मिलती है, क्योंकि दिलीप कुमार साहब इट्सेल्फ इज़ एक स्कूल है। अगर एक्टिंग में अगर आप आ रहे हो, अगर दिलीप साहब का थोड़ा बहुत भी आपने उसमें अपने आप में नहीं ढाला तो वो आप एक्टर नहीं कहे जाओगे, क्योंकि इंडियन पब्लिक ने उनको इतनी अच्छी तरह सराहाया है और इतनी अच्छी तरह से उन्होंने मतलब फिल्में दी है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि फिल्म में अगर आपको काम करना है, एक्टर बनना है, तो सचमुच दिलीप साहब की सबसे ज़्यादा फिल्में देखो ताकि आप में वो एक्टिंग निखर आए। आपसे अगर उनकी कभी कोई ऐसी मुलाकात हो, ऐसा इंसिडेंट उनके साथ में, अगर आप दिलीप साहब से तो मैं अब तक नहीं मिला हूँ, लेकिन आज जब सायरा जी से मिला तो मैं बहुत 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 मतलब अपने आप को मतलब ऊपर वाले से थैंक यू कहता हूँ कि ऐसी बड़ी हस्ती से मिलाया। मैं सायरा जी से मिली, अभी बहुत जल्द हम दिलीप साहब से भी मिल लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है मिलने का, एक्चुअली एकलव्य की तरह हम लोग उनको देखते हैं, उनको आप मेरे घर पर भी आओगे तो उनके पोस्टर्स पड़े हैं, उनके फोटोग्राफ्स हैं, तो उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। और मेरी जो भी फिल्म आप देखोगे उसमें काफ़ी उनकी छवि दिखी जाएगी, और मैं कोशिश करता हूँ कि बस खुदा उनको लंबी उम्र दे। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ खुदा उनको लंबी उम्र दे, और ऐसे इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा इस धरती पर रहना ज़रूरी है और हम लोगों को एंटरटेन करना ज़रूरी है।